उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जो हैं अभी होमेज पे करके आए हैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को राजा जी मार्ग पे। सर, आपके पहले थॉट्स जनरल रावत के बारे में? आज पूरा देश भाव विह्वल है, एक अपूर्णीय क्षति है पूरे देश की, और उत्तराखंड तो आज आंसुओं में डूबा हुआ है। हमारा दोहरा दुख है, एक तो एक महान पुत्र को खोने का दुख है उत्तराखंड को, और दूसरा ऐसे पुत्र को खोने का दुख है जो देश के लिए बहुत बहुत ऊंची सेवाएं दे रहा था, जिससे देश को बहुत अपेक्षाएं थी, तो ऐसा बेटा खोने का और ज़्यादा गम है। हम सब, सारा उत्तराखंड और सारा देश आज भाव विह्वल हो करके आपने उस पुत्र को विदा कर रहा है। सर, एक चीज़ और बताइए, आपकी तो कई मौक़ों पर उनसे मुलाकात होती रहेगी, कोई ऐसे क्षण आपको अभी याद आ रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये उत्तराखंड का सपूत कहाँ? जब तक वो एक जूनियर रैंक के, जूनियर तो नहीं, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के थे, और उनके पिताजी जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जी से मेरी अच्छे संबंध थे, मैं आत्मीयतापूर्ण तो नहीं कहूँगा, अच्छे संबंध थे, बहुत आना जाना था, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था, तो जनरल बिपिन जो है, युवा बिपिन उस समय आए, उन्होंने मेरा परिचय करवाया, तो एक उमंग उत्साह उस नौजवान में कुछ उस समय भी एक खासियत थी। उसके बाद कभी भेंट नहीं हो पाई, जब उनके पिताजी नहीं रहे, लक्ष्मण सिंह जी नहीं रहे, तो मैंने संवेदना प्रकट करने के लिए उनको टेलीफोन किया, तो जिस तरीके से उन्होंने हमारी उस भेंट को याद किया और जितने सुंदर शब्द उन्होंने कहा, मेरे पिता आपकी बड़ी तारीफ करते थे, हमारे साथ अपने आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाए रखिएगा, तो एक इतने बड़े व्यक्ति से ये बात सुन करके, और उसके बाद मैंने एक दो मामलों में कभी उनको जब टेलीफोन किया, तो वो बहुत ही एक उनके अंदर एक तरफ यदि एक ऐसा जर्नल था जो कर्तव्यनिष्ठ जर्नल था, तो दूसरी तरफ एक साधारण उत्तराखंडी भी था जो अपने उत्तराखंड, अपने गांव घर से बड़ा प्यार करता था, तो बातचीत किसी और प्रसंग में होती थी, लेकिन समापन जब भी उनसे मैंने बातचीत की, वो उत्तराखंड और उसके गांव के जो कंसर्न हैं उनको लेकर के होती। कोई आपकी मांग है उत्तराखंड के लोगों की तरफ से, केंद्र सरकार से जनरल रावत को लेकर? केंद्र सरकार को भी और हम उत्तराखंड में भी उनके नाम के गरिमा के अनुरूप तो नहीं कह सकते, मगर एक ऐसा स्मारक बनाएंगे जिसको देख करके लोग कहेंगे, हाँ, उत्तराखंड ने अपने बेटे को बहुत ठीक तरीके से, बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से याद किया। मेरा आखिरी सवाल है, मिलिट्री के सैन्य नज़रे से अगर देखें, कितनी बड़ी क्षति है, पहले CDS थे और बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस था, स्पेशली चाइना को और पाकिस्तान को लेकर। हाँ, इस तरीके से इस समय जिस प्रकार से वो आर्मी के मॉडर्नाइजेशन और सारी चीज़ों को एक नया स्वरूप देने की बात कर रहे थे, और एक थिएटर कमांड को बिल्ड करने के काम में लगे हुए थे, तो बड़ी उम्मीदें थी, और हमारे दुश्मनों में बड़ी दहशत थी, सीमा के पार के लोगों के मन में जनरल बिपिन रावत एक दहशत थे, दहशतगर्दों के दिल में उनके लिए भय की बात थी, उससे उनकी उपस्थिति हिंदुस्तान की सुरक्षा का एहसास कराती थी, हिंदुस्तान की ऊंच हिंदुस्तान की ऊंचाई का एहसास कराती थी, तो अपने आप में वो एक विलक्षण सैनिक थे।